गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। आज की दुनिया में तो गुरु बनाने की होड़ लगी हुई है। अगर गुरु ने चेला से कह दी कि चेला बीड़ी पीना बंद कर दो तो चेला तुरंत तुनक के दूर खड़ा हो जाएगा। अरे गुरुजी, जो भी कंठी वाला तुमने दी वो अपनी वापस ले लो। अगर तुम कहोगे कि बीड़ी पीना बंद कर दो तो ये काम हम नहीं कर सकते, हम किसी को भी गुरु बना लेंगे। और भैया आजकल तो गुरु की भरमार चल रही है। एक घर में काम करने वाला है, सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला है, लोग उससे भी कहते हैं कहिए गुरु कैसे हो, झाड़ू लगा रहा है और लोग कहते हैं कि कहिए गुरु कैसे हो। गुरुओं की भरमार है, लेकिन भाई बहनों गुरु की महिमा क्या होती है वो तो एक सच्चा चेला जान सकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना अच्छी रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं हो सकता। अगर सच्चा गुरु होगा तो चेला को अच्छा ज्ञान देगा, और अगर अच्छा गुरु नहीं होगा तो चेला को कभी अच्छा ज्ञान नहीं देगा। आज की दुनिया में अच्छे रास्ते पर चलाने वाले लोग कम हैं, और गलत रास्ते पर चलाने वाले तुम्हें एक नहीं अनेक रोड़ों पर मिल जाएंगे। महाराज दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहा है कि हे गुरु जी, हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया मगर हमारे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे दशरथ जी आप चिंता मत करिए, आपके यहाँ पुत्र जरूर पैदा होंगे। महाराज दशरथ को चिंता नहीं हुई। एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए चले, एक हिरण का पीछा करते चले जा रहे हैं तो हिरण को खूब मार रहे हैं, लेकिन हिरण उनके बाणों से घायल नहीं हो रहा है। और हिरण खड़े होकर के बोला है महाराज दशरथ से, क्या हे दशरथ जी, लेकिन आपके बाणों से मैं मरने वाला नहीं हूं। जैसे ही महाराज ने सुना उसी वक्त महाराज ने तब चिंता हुई जब एक हिरण के मुंह से आवाज सुनी है कि जिन राजा के सुत नहीं हुई और पास मेरो मरण नहीं हुई। महाराज को जीवन में कभी चिंता नहीं हुई, सिर्फ एक बार हुई जब हिरण के मुंह से ऐसे शब्द सुने, एक बार भूपत मन माही और कीनो विचार मोर सुत नहीं। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, महाराज हमारे कोई पुत्र पैदा नहीं है। जवाब दिया है गुरु वशिष्ठ ने कि आप श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ करवाइए तो आपके यहाँ पुत्र पैदा हो जाएंगे, और तुम्हारे एक एक नहीं, चिंता मत करो, आपके यहाँ पर पुत्र पैदा होंगे। हे राजन, आपके यहाँ एक पुत्र पैदा नहीं होगा, ऐसे पुत्र पैदा होंगे कि तुम्हारा नाम रोशन करके जाएंगे। महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाया। जब श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया
तो अग्निदेव प्रकट हुए जिनके हाथ में खीर का कटोरा है। काहे कि लो दशरथ जी ये आप अपनी रानियों को जाकर के बांट देना तो समय आने पर आपके यहाँ पुत्र पैदा हो जाएंगे। महाराज दशरथ उस खीर के कटोरे को लेकर के चले, लेकिन भैया एक बात